नहीं, हाथ में लाठी लेके बता रहा है डंडे लेके कैसे मारने, ये सबको बता रहा है कि मारो सब जाके हिंदू। हाँ यही कर ही रहा है, सारा काम इसी का है, ये सारा ताहिर करवा। देखो वो ट्रेन में ले जा रहा है पत्थर भर भर के, देखो देखो सबको बोला ट्रेन पत्थर लाओ, ये है ना ये 5-5, 6-6 रुपए में खरीद के लाया। हाँ वही है ही, ये आज सबको पत्थर बरसाने के लिए लाया ही है इसने। ऊपर भी देखना हो सकता है, और अगर ताहिर के साथ फोटो आ जाए तो और मजा आएगा, ताहिर इसमें आएगा ही। इसकी औरतों का फोटो मत लेना, मोहम्मद ताहिर के सवाल पर जवाब देना चाहता हूं मैं। अंजना जी बोलिए। देखिए नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी है सूर्या साहब, परसों दोपहर 3 बजे से मैंने उनको 100 कॉल किए। मैंने संजय सिंह जी के साथ मैं ललितपुर जा रहा था, हमारे एक नेता की हत्या हो गई वहां पे, उनकी दुर्घटना में या हत्या में संदिग्ध मौत हो गई। 100 बार मैंने बात की है डीसीपी साहब से, ताहिर ने लगातार कंप्लेंट की, मैंने कॉन्फ्रेंस में लेके बताया, उनके घर का दरवाजा तोड़ा गया और कुछ उपद्रवी उनके घर में घुस गए। पुलिस ने शाम को 8 बजे परसों ताहिर को रेस्क्यू करके और उनको अज्ञात स्थान पे ले गई, तब से ताहिर वहां मौजूद नहीं है। ये आप, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, सूर्या साहब जो कि डीसीपी है नॉर्थ ईस्ट के, मेरी कम से कम 100 बार बात हुई, 100 टाइम्स ताहिर को कॉन्फ्रेंस में लेके मैंने और संजय जी ने उनकी बात कराई है, परसों से वहां ताहिर नहीं है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ठीक है, आपने अपना पक्ष रख दिया है, वहां पर जो लोग बता रहे थे वो मेरी रंधावा साहब से कम से कम 50 बार बात हुई है, तो ज्वाइंट सीपी सच सच सामने आए, सबके सामने आए, ये बहुत जरूरी है। दर्शकों को हम अपडेट दें, देखिए इस समय की जो बड़ी खबर है वो ये तो आप जानते ही हैं तमाम दर्शक, हम सुबह से लगातार बता रहे हैं कि मौजपुर इलाके में आज हिंसा भड़की थी और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में हिंसा फैली। लेकिन अभी इस हिंसा और आगजनी से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो ये है कि मुस्तफाबाद जो इलाका है दिल्ली का, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, वहां पर एक नेहरू विहार इलाका है, उस नेहरू विहार से पार्षद ताहिर हुसैन है, आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, अब से कुछ देर पहले की खबर है जब हिंसक भीड़ उनके घर में जा घुसी, वहां पर तोड़फोड़ किए जाने की खबर। मैं आप पार्षद ताहिर हुसैन, आप सबको बताना चाहता हूं, जो भी खबर मेरे बारे में चलाई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो सरासर गलत है। ये गंदी राजनीति के चलते मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे घसीटा जा रहा है। जब से कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया है तब से ही दिल्ली के हालात खराब हैं, जहां पे जगह जगह पत्थरबाजी, ये तमाम चीज़ें की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। वैसा ही परसों हमारे यहाँ भी हुआ, जिसको देखते हुए हमने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। एक बहुत सारी भीड़ मेरे जो ऑफिस का गेट है उसे तोड़ के जबरदस्ती अंदर छत पे चढ़ गई थी, जिसके लिए लगातार मैंने पुलिस से मदद मांगी और कई घंटों के बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंची, सब काबू हुआ। और उस वक्त जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी मौजूद थे उनकी निगरानी में पूरे मकान की, पूरी बिल्डिंग की, पूरे ऑफिस की तलाशी ली गई, उसको अच्छे से चेक किया गया और उस पुलिस ने ही हमें, मेरे परिवार के साथ हमें यहाँ से सुरक्षित बाहर भेज दिया गया था। हमसे कह दिया था कि आप यहाँ से अपने किसी सेफ जगह हट जाइए, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग पे दोनों तरफ से कोई भी आदमी इस पे दोबारा से खतरा या बवाल ना हो सके, अपनी जान आप सेफ कीजिए। और मैंने उनसे गुहार लगाई थी कि सर यहाँ से फोर्स ना हटाएं, फोर्स अगर यहाँ से हटी तो मेरे बिल्डिंग का दोबारा से फिर कोई नाजायज फायदा उठा लेगा, जो मैं नहीं चाहता किसी कीमत पे भी। मैंने बड़ी मुश्किल से बड़ी कोशिश की थी कि दरवाजा ना टूटे, दरवाजे पर हमने पीछे से जो मेरे साथ में हमारे लोग थे 5-7 जो हमारे साथ में हमारे वर्कर रहते हैं वो सब ने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन फिर भी दरवाजा तोड़ दिया गया था। और उसके बाद लगातार पुलिस फोर्स की निगरानी में वो बिल्डिंग वो जगह रही, पूरी रात रही, कल भी पूरा दिन रहा, लेकिन फिर पता ना ऐसा क्यों हुआ कि पुलिस फोर्स वहां से हट गई और उसके बाद दोबारा से दंगाइयों ने वही काम किया जिसका मुझे डर था। ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ है। आप यकीन जानिए मैं एक सच्चा अच्छा भारतीय मुसलमान हूँ और मैं हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए काम करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मेरे बारे में जो भी अफवाह चलाई जा रही है, जो भी गलत फहमी चलाई जा रही है, वो सरासर गलत है। मैं ज़िंदगी में कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, मैं खुद अपने परिवार के साथ अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकला हूँ और कहीं अपने जानने वाले के यहाँ रह रहा हूँ। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि मुझ पर विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, मैं अपने बच्चों की सौगंध खाता हूँ, मैं इस तरह की हरकत, इस तरह की घटिया राजनीति कभी ना मैंने करी है और ना मैं कर सकता हूँ।